हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने टेक हेल्पिंग हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ऐसे बेस्ट इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन को यूज करके दिखाऊंगा जिससे आप फ्यूचर ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन के साथ जब अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी एक्यूरेसी कम से कम 70 से 80% तक बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि एक्यूरेसी ज़्यादा है कम है, मैं ये कहता हूँ अगर किसी की एक्यूरेसी 60% भी है किसी भी ट्रेडिंग की भी, चाहे आपका अपने एंड पर भी एनालिसिस करके करते हो, तब भी आप विनर ही रहोगे। क्योंकि 40% अगर आप लॉस कर रहे हो तो 60% आप विन कर रहे हो, यानी कि ओवरऑल आप प्रॉफिट साइड में ही जाओगे, ठीक है। बट इसकी एक्यूरेसी 80% तक है, मैं कहता हूँ चलो 70 से 80% भी है तब भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करोगे। इसके अंदर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि कैसे आप इसका यूज़ करोगे, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता इतना डीपली किसी ने भी किसी इंडिकेटर के बारे में इतना समझाया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने रिसेंट कोर्स पर इसके अंदर जरूर स्टडी कर लीजिएगा और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले पूरे अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका है, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस इस वीडियो के अंदर नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस पैटर्न या जिस बेसिस पर आप इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो, वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। मैं खुद भी इन इंडिकेटर्स का यूज़ करता हूँ। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो मैं चलता हूँ tradingview.com पर। आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा होगा tradingview.com, ठीक है। अगर आपको tradingview यूज़ करना नहीं आता है तो सिंपली मैं आपको दोबारा से, आप लोगों के लिए मैं एक बार tradingview के चार्ट को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ये tradingview वेबसाइट को हमने ओपन किया तो इस तरीके से tradingview वेबसाइट ओपन होगी। आपने अगर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टॉप पर, उसे आप रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बाद आप जाएंगे चार्ट सेक्शन पर, ये जो चार्ट दिखाई दिया आपको, यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाएगा। ये तो मैंने खैर पहले से सेट किया हुआ इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं 3 इंडिकेटर्स, ठीक है। एक का नाम है VWMA, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 20, ठीक है। एक ये यूज़ करने वाले हैं, एक टक्स का जो हमें बाय और सेल लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा बाय पर एंट्री करनी तो बाय कर लिया, सेल जब इसने बोला तो सेल कर दिया, सिंपल इज दैट, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपको वाइट लाइन जो दिखाई दे रही है VWMA की लाइन है, सिंपल सा है। मैं बाकी आपको बताऊंगा। नीचे MACD की लाइन है, ये मल्टी टाइम फ्रेम वाली है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस है। और नीचे अपनी जो नॉर्मल RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की है, ये इसके अंदर मैंने थोड़ी सा अल्ट्रेशन की है तो इसको भी मैं आपको करते हुए दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको ये दोबारा से जैसे वाइट लाइन मैंने हटाई, मैं आपको इंडिकेटर्स पहले इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाइए, ठीक है, VWMA, ठीक है। देखिए वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास ये आ चुकी है, इसकी सेटिंग्स बटन है जो, इस पर जाइए, ठीक है। मैं इसकी कलर को वाइट कर लेता हूँ, थोड़ा सी लाइन को यहाँ से थिकनेस को मोटी कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये आ गई है और इसके बाद ओके कर देते हैं। तो देखिए ये है, तो पहले वाइट लाइन का काम बताऊंगा। ये बाकी ये तो वॉल्यूम है जो नीचे दिखाई देते हैं, वो आपको नॉर्मली सभी में दिखाई देगा, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये मैं इसकी बात नहीं करूँगा अभी फिलहाल, तो मैं अभी फिलहाल आपसे इसकी बात करूंगा। आपको ये देखिए सिंपल सा फंडा क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बात करेंगे, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। आप चाहे तो इसको स्पोर्ट में भी कर सकते हो, स्पोर्ट में आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, 1 आवर के अंदर भी स्पोर्ट का कर सकते हो, स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हो, पर फ्यूचर वाले के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, ठीक है। आप चाहें तो, और आप सोच रहे हैं कि चलिए 30 मिनट में भी कर लेते हैं, बट मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स है इसके अंदर 1 आवर के अंदर ही निकल कर आते हैं। बाकी आप चाहें तो इसे 30 मिनट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडर तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। अब चलते, मैंने कोई भी चार्ट खोल लिया, BSV USDT का चार्ट खोल लिया, कुकोइन एक्सचेंज का, तो यहाँ पर आपको इसमें बिल्कुल क्लियरली मैंशन है, जैसे ही इस वाइट लाइन वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज से अगर नीचे कोई भी फ्रेश कैंडल बनती है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेड कैंडल बन गई यहाँ पर नीचे फ्रेश, बिना इसको टच किए हुए, इस लाइन को टच किए हुए, तो यानी कि इस पॉइंट से, मैं इस पॉइंट को इंडिकेट कर देता हूँ, यानी कि इस पॉइंट से देखिए यहाँ से आपको आपको एग्जिट कर जाना है, या फिर आप चाहें तो शॉर्ट ले सकते हैं। मैंने एक पॉइंट आपको दिखाया, ये सिर्फ इस लाइन के बेसिस पर, ठीक, एंट्री या एग्जिट की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे इंडिकेटर के, देखिए टक्स का EMA स्कैल्पर 20, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे टोनी या टक्स, सॉरी, ये आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाला इंडिकेटर यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे टक्स 13215 बाय से आप करोगे तो ये वाला इंडिकेटर यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर आपको कोई भी अल्ट्रेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसने सेल का पॉइंट इसने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक, एक कैंडल ऊपर,
ठीक है, आपको यानी कि पहली कंफर्मेशन यहां मिल गई, दूसरी कंफर्मेशन आपको यहां मिल गई, ठीक है, आपको दो कंफर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है, 79 और 78.37, यानी कि करीब करीब अब 50% और 0.50% या 60% के गैप पर, 0.60% के गैप पर आपको दूसरी कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पास जो दूसरा अल्टरनेटिव, हमारे पास जो MACD मल्टी टाइम फ्रेम है, इसको कैसे यूज करेंगे, हम गए इंडिकेटर्स पे, MACD, आप MACD लिखोगे तो MACD यहाँ पर आप देखोगे MACD कस्टम इंडिकेटर मल्टी टाइम फ्रेम, इस पर क्लिक करोगे क्रिस मोडी वाले पर, तो ये आपको इस तरीके का आ जाएगा। सिंपल इज दैट कि जैसे यहाँ पर रेड, आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जैसे आपको इसने रेड दिखाया यहाँ पर जोन, देखिए ये रहा, जैसे ग्रीन लाइन रेड में कन्वर्ट होकर इस येल्लो लाइन से नीचे की तरफ आ गई और रेड लाइन नहीं बननी शुरू हो गई, समझ लीजिए बिजनेस स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आपको रेड एक डॉट सी भी दिखाई दे रही है, ग्रीन डॉट का मतलब पॉजिटिव ग्रीनरी या बुलिश, रेड का मतलब बिरिस, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे दूसरा इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ये हिस्टोग्राम के अंदर रेड कैंडल बन गई सेंटर वाली लाइन से नीचे, व्हाइट लाइन जो सेंटर है इसके नीचे आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिल गई, यानी कि पहला पॉइंट आपको MACD ने यहाँ दे दिया, दूसरा हिस्टोग्राम के अंदर आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, दो पॉइंट आपके यहाँ पर हो गई, यानी कि यहाँ से भी आपको कन्फर्मेशन मिल गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लाइन्स को भी खींच लेते हैं कि हमें पहली कन्फर्मेशन ऊपर की तरफ यहाँ पे मिली है, दूसरी कन्फर्मेशन हमें इस पॉइंट पर मिली है, और अगर हम यहाँ पे इस पर भी चलते हैं तो यहाँ पर भी देखो हमें इस लाइन पे, मैंने ऊपर से खींची हुई नीचे तक चली गई, यहाँ पर आप देखोगे पहली लाइन दूसरी लाइन जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और नीचे की तरफ फर्स्ट कैंडल बनी, यहाँ पर भी ये इसने भी हमें इंडिकेशन दे दी, यानी कि हमारे पास चार इंडिकेशन मिल गए BSV के इस पर, BSV चाहे कोई भी कोइन होता। अब बात करते हैं बाय सेल इंडिकेटर का, हमने समझ लिया सेल का बताया, ठीक है, थोड़ा सा घिचड़ पिचड़ आपको बेशक लग रही होगी, मैं इसको हटाता हूँ एक बार, थोड़ा सा थोड़ा और क्लियर हुआ, और ये हटाता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए एक पहला पॉइंट यहाँ पर सेल ने बताया, दूसरा यहाँ पर फ्रेश कैंडल बनी इस वाइट लाइन से नीचे, तो ये कन्फर्मेशन मिल गई। दूसरा अगर हम बात करते हैं जब इसके नीचे आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर एक रेड लाइन बन गई नीचे हिस्टोग्राम के नीचे, और साथ में यहाँ पर आपका रेड डॉट बना और साथ में क्रॉस ओवर कर गया ग्रीन लाइन ने येलो लाइन से नीचे, ठीक है, तो यहाँ से भी हमें कन्फर्मेशन मिल गई, यानी कि टोटल हमारे पास चार कन्फर्मेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं RSI की, ठीक है, ये हमारे पास जो नीचे RSI लेवल है, ये मैंने ऊपर 80 का सेट किया हुआ है, नीचे 20, ठीक है, वैसे 70/30 का होता है, 70 से ऊपर आपका ओवरबोर्ड जोन और 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने 80 किया है क्योंकि आजकल 70 क्रॉस करना बहुत आसान है, ठीक है, यहाँ पर 20, ठीक है, हम ज़्यादा कन्फर्मेशन के बाद, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको एक ये येलो लाइन दिखाई दे रही होगी और साथ में एक यहाँ पर आपको इस तरीके की लाइन RSI की दिखाई दे रही होगी, तो हमारे पास कन्फर्मेशन क्या है, जैसे ही ये जो पर्पल लाइन है येलो लाइन को क्रॉस करती है, इस लाइन्स को आप कैसे भी कलर चेंज कर सकते हो जैसे आप चाहो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए आप देखोगे पर्पल लाइन को हमने किया ग्रीन, ठीक है, थोड़ी सी मोटी कर देते हैं इसको, और अब बात करते हैं अगर हम येलो लाइन को हमने कर दिया रेड, इसको भी कर लेते हैं मोटी, तो आप यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट पर, देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो आपने यहाँ पे देखा जैसे ही यहाँ पर क्रॉस क्रॉस डाउन हुई, ठीक है, तो ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया, तो यानी कि हमें एक इंडिकेशन यहाँ मिल गया है, जबकि हमें यहाँ पर दूसरी इंडिकेशन हमारे दूसरे इंडिकेटर्स ने यहाँ भी बताया हुआ, मैं थोड़ा सा सेट कर दूँ, ये देखिए मतलब RSI ने भी हमें बता दिया, MACD ने भी डबल कन्फर्मेशन दे दी है, और साथ में हमें यहाँ पर भी VWMA ने भी दे दिया, साथ में हमें बाय और सेल के इंडिकेटर ने भी हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन दे दी है, यानी कि हमारे पास अब हो चुकी है करीब 5 कन्फर्मेशन हमें मिल चुकी है कि हम यहाँ से एग्जिट कर लें या शॉर्ट मार दें। अब देखते हैं कितना हमें प्रॉफिट होता है अगर हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं, और फिर हम इसके अगेंस्ट लॉन्ग का भी डिसीजन देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से एंट्री ली शॉर्ट की यहाँ से, और ये देखिए इसके बाद कितना अच्छा मार्केट गिरी है, कम से कम 11% गिरी, 1 day 14 hours में गिरी, 1.5 दिन के अंदर हमें कम से कम 11-12% का प्रॉफिट हो, और हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये इट मीन्स हमने लेवरेज भी ली होगी, 2x 3x 5x कुछ तो ली होगी, तो उसको आप और मल्टीप्लाई कर सकते हो, मान के चलते हमने 5x लेवरेज ली होती आफ्टर आफ्टर मैनी कन्फर्मेशन, तो 12% का प्रॉफिट पे हम यानी कि 12 × 5 यानी कि 60% ओवरऑल या 50% हम ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर रह जाते। पर अगर आप कहते हो कि नहीं भी हमें एग्जिट नहीं करना है ऐसे, हमें कन्फर्मेशन के साथ एग्जिट करना है, तो जैसे ही ये व्हाइट लाइन, ठीक, अब अगेंस्ट मामला चलेगा यहाँ पर, जैसे ही आपको ये व्हाइट लाइन के ऊपर आपको ये देखिए पहली रेड कैंडल बन चुकी है, बट हमें रेड कैंडल पर एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पर कोई फ्रेश ग्रीन कैंडल हो जैसे यहाँ पर बनी, ठीक है, साथ में आपको यहाँ पर भी एक कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी RSI ने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है, MACD ने भी हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है, और RSI ने भी हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई यहाँ पर मामला
बुलिशनेस का होने वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते, एग्जिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसने ग्रीन ने रेड को क्रॉसओवर कर लिया है, यहाँ पे हमें डबल कन्फर्मेशन मिल गई, यहाँ पे मिल गई हमें कन्फर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बन गया है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर MACD ने दे दी हमें, RSI ने हमें यहाँ पर ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। ये देखिए, आपको थोड़ा समझने का खेल है, आप देखोगे तो खुद भी कर लोगे, इसलिए आपको बताया जाए। RSI ने हमें यही दे दी थी और MACD ने हमें यहाँ पर दे दी है, पर ये रेड कैंडल है, इसने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि कोई भी फ्रेश कैंडल होनी चाहिए ग्रीन कलर में, वो भी बिना लाइन को टच किए हुए, तो हम देखते। तो मतलब यहाँ पर अभी हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली है, तो हम यहाँ पर हमें पहली कन्फर्मेशन मिली है ऊपर की तरफ से, नीचे हमारी तरफ अभी तक सारी कन्फर्मेशन है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद पर अभी तक हमें बाय का सिग्नल नहीं मिला है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आप देखोगे दोबारा से मार्केट फिर नीचे आई है, ठीक है। जब हमारे पास सारे इंडिकेशन मिलते हैं तभी हमें एग्जिट ले, एंट्री लेनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे हमें यहाँ पर एक एंट्री मिल चुकी है, यहाँ पर इसने बाय के लिए बोल दिया हमें, यहाँ पर भी इसने हमें कन्फर्मेशन दे दी है, देखोगे आप बाय, यहाँ पर फिर इसने, यहाँ पर भी हमें इंडिकेशन मिल गया और यहाँ पर भी मिल चुका है। देखिए यहाँ पर भी इंडिकेशन है, यहाँ भी इंडिकेशन है, हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ है और यहाँ पर भी इसने बाय का भी दे दिया और ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ क्लोज भी हुई है। तो यानी कि हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से फिर मार्केट चलती रही और यहाँ पर इसने हमें एग्जिट कराया। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर हमने यहाँ पर बाय की, अगर हमने एंट्री ली है, हम फिर भी यहाँ से लेते हैं और हमने सोल जो किया है, यानी कि 1.43% 18 घंटे में हमारा प्रॉफिट हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये कंटिन्यूस वर्क है। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये कंटिन्यूस वर्क आपको ये करना ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, देखिए करीब करीब हमारी एंट्री अगर हमने यहाँ पे ले ली, या मैं किसी और कॉइन पे लेकर चलता हूँ, BSV का काम हो गया, हम चलते हैं मूवर करके कॉइन है, ये देखिए ये रहा मूवर। अब हम शॉर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखोगे हमें MACD हिस्टोग्राम ने यहाँ पे हमें सिग्नल दे दिया, क्योंकि नीचे हिस्टोग्राम बन चुका, RSI ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे चुका है, पर हमें बाय और सेल के इंडिकेटर ने हमें इंडिकेशन दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी एंट्री मिली हमें इस तरफ मिली, इस पॉइंट पर, क्योंकि फ्रेश कैंडल बनी है इसके बिलो, यानी कि हमारी जो एंट्री बनेगी अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर हमारी करीब करीब एंट्री बन रही है। तो हमने यहाँ से शॉर्ट अगर एक ले लिया, मान के चलते हमने यहाँ से शॉर्ट लिया है, और उसके बाद आप देखोगे कोई भी कैंडल इससे यहाँ पर कोई किसी ने भी बाय का इंडिकेशन नहीं दिया है और प्राइस यहाँ पर चल रहा है, यानी कि 16.2%, यानी कि वन डे 19 आवर्स के अंदर हमारा 16% का प्रॉफिट है। और हमने अगर इसके अंदर 3x का भी प्रॉफिट ले लिया तो इट मीन्स, मतलब 3x की लेवरेज भी ले ली तो हमारा अप्रोक्स 50% का प्रॉफिट हम यहाँ पर भी ले जाएंगे। तो यही कंटिन्यूस वर्क है, आप लॉन्ग शॉर्ट से इस तरीके से पैसा कर सकते हो। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हो तो आप यहाँ पे नॉर्मली लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इसके अंदर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, यानी कि आप बाय और सेल के सिग्नल से, जैसे यहाँ पर आपने एंट्री ले ली और उसके बाद आप देखोगे आपको एग्जिट इसने यहाँ पे कराया है, ठीक है। सिंपल इज दैट, यहाँ से ली आपने एंट्री, सॉरी ये देखिए, तो कुछ नहीं है आपको, ये उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, चार्ट वार्ट के लिए। तो यहाँ से भी देखो 6.5% का प्रॉफिट ले लिए एक दिन के अंदर, ठीक है। तो इस इन इंडिकेटर का यूज करके 5 to 6 कन्फर्मेशन लेकर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इंडिकेटर आपको वो दिखाता है जो हो चुका होता है, उसके बेसिस पर आगे एवरेज करके आपको इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। कन्फर्मेशन ही पर एक्चुअल प्राइस आपको प्राइस एक्शन मूव्स बताता है, पर आपको ये फिर भी अंधेर नगरी की तरह ट्रेडिंग करने से तो अच्छा है कि इस कन्फर्मेशन के बाद ही आप ट्रेडिंग करो। ये उन लोगों के लिए अच्छा जो बिल्कुल उनको चार्ट एनालिसिस नहीं आती है, पर इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये वीडियो दोस्तों आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इसके हिसाब से समझने में आसानी होगी कि आप इसके बेसिस पर भी लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मेरे पास कम फंड है, सिग्नल्स ग्रुप को पैसा नहीं दे सकते हैं, या फिर अंधेर नगरी की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से करेंगे तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही जाएगा, यानी कि प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।